गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जो बहुत ही कई बच्चों को कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना हम इजी कर ले इसको, ठीक है। लेकिन उसके पहले है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी सी टिप्स जो है वो मैं जैसे जैसे सम्स करते जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको देती जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं ए बी करके अगर मैंने आपको दे दिया ना, तो फिर आपको मतलब वो नहीं होगा, मतलब उसमें फिर समझने में मज़ा नहीं आएगी। सो बेटर यही रहेगा कि मैं सम के साथ ही आपको समझा दूँ, ठीक है, और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो देखिए, क्वेश्चन वन है 2 और 0, ये है। इसको हमें क्या करना है कि इवेल्युएट करना है, अगर पॉसिबल है तो करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। पॉसिबल कैसे होगा ये देखिए, इसका क्या है, 1 रो है और 2 कॉलम्स है, यहाँ पे 2 रोज और 1 कॉलम है। तो जो आंसर आएगा ना, वो ये फर्स्ट आएगा और ये लास्ट आएगा, मतलब कि 1 बाय 1 वाली मैट्रिसेस आएगी, ठीक है। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप ये 3 2s आ, मतलब देखो अगर मैं रेड लेती हूँ ये कलर, तो ये 3 मल्टीप्लाइड होगा 2 से, मतलब ये रो मल्टीप्लाइड होगा ऐसे कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद प्लस होगा, अब यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा है ना कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको पता चले। सो ये जो 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 1 बाय 1 मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए 6 प्लस 0, मतलब ये 1 बाय 1, ठीक है, और ये 6, तो 1 बाय 1 मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। उसी तरह से अब हम सेकेंड में जाते हैं, सेकेंड है 1 माइनस 2, और ये होगा -2 -1 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सारे एलिमेंट्स पहले इसके साथ होंगे, फिर दोबारा ये सारे एलिमेंट्स इसके साथ होंगे, मतलब 1 से -2 -2 से -1, उसके बाद 1 से 3। अब उसका आएगा क्या, तो इसमें 1 बाय 2 है और इसमें क्या है, 2 बाय 2 है, ठीक है। तो क्या आएगा उसमें, 1 बाय 2 की मैट्रिसेस उसका आंसर होगा। मतलब देखिए, जैसे 1 बाय 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 बाय 2 से, तो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला होगा, ओके। तो इसको हम देखेंगे कैसे, 1 रो होगा, सो 1 इंटू -2, ये मैं शुरुआत के 5-6 सम्स में करूँगी, उसके बाद डायरेक्ट करूँगी। 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -1, ठीक है, और फिर होगा ये, फिर 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, ये तो ये देखिए 1 कॉलम 1 रो हुआ और 2 कॉलम्स हो गई है 1 बाय 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए -2 प्लस 2, और ये होगा 3 -8, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, 0 एंड -5, मतलब कि 1 बाय 2, ये इसका आंसर। इसको देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये होगा पहले रो और कॉलम, ठीक है, मतलब 2 बाय, तो 6 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, मतलब इसका इसके साथ और फिर इसका अगेन इसके साथ, राइट, और फिर 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, राइट। सो ये क्या होगा, -6 प्लस 12 -3 -3, ठीक है। तो ये होगा 6 एंड -6, मतलब कि 2 बाय 1 मैट्रिसेस। ओके, अब फोर्थ है
सिक्स फोर थ्री माइनस वन एंड माइनस वन एंड थ्री, तो ये क्या होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है, तो रीज़न क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है, टू कॉलम है, ये टू बाई टू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वन बाई टू। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, मतलब कि ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए इसके पहले का अगर हम सम देखें, ये वाला, तो देखिए ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। आप देखो, आप करने जाओगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, मतलब आई क्या हो जाएगा, आई आपका होगा वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन, ठीक है, टू बाई टू मैट्रिक्स है इसीलिए, फाइन। अब क्या है, जो जो बोला है वो फाइन करना है। सो पहले क्या है, ए एंड बी, मतलब कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सो ज़ीरो टू फाइव माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन थ्री एंड टू। अब देखिए ये टू बाई टू है और ये टू बाई टू है, मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए क्या करना है कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, राइट, तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए ये जो है ये पहले इसके साथ जाएगा, ये ज़ीरो टू वन जाएगा, मतलब ज़ीरो इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री हुआ, फिर ज़ीरो इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू हुआ, फिर फाइव इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू थ्री हुआ, और ये होगा फाइव इंटू माइनस वन प्लस माइनस टू इंटू टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो इंटू वन मतलब ज़ीरो माइनस सिक्स, ये ज़ीरो प्लस फोर, ये होगा फाइव माइनस सिक्स, और ये होगा माइनस फाइव माइनस फोर, तो आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस सिक्स फोर माइनस वन माइनस नाइन, ठीक है। बी और ए विच इज़ इक्वल टू वन माइनस वन थ्री टू और ज़ीरो टू फाइव माइनस टू, तो ये होगा वन इंटू ज़ीरो प्लस माइनस वन इंटू फाइव, फिर वन इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस टू, फिर थ्री इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू फाइव, उसके बाद थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस टू, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो ज़ीरो प्लस ये होगा टू प्लस टू, ये होगा ज़ीरो प्लस टेन, और ये होगा सिक्स माइनस फोर, तो आंसर होगा माइनस फाइव फोर टेन एंड टू, ओके। ए आई, सो ए है ज़ीरो टू फाइव माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय आई है वन ज़ीरो ज़ीरो वन, तो अब देखिए ये होगा ज़ीरो इंटू वन प्लस टू इंटू ज़ीरो, फिर ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू वन, मतलब कि देखिए पहले मैंने ये कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और सेम कॉलम को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब फाइव इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू ज़ीरो एंड
फाइव इंटू ज़ीरो प्लस माइनस टू इंटू वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू, फाइव प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस माइनस टू। तो इसका आंसर है ज़ीरो टू फाइव माइनस टू। आई बी मतलब कि वन ज़ीरो ज़ीरो वन मल्टीप्लाइड बाई बी वन माइनस वन थ्री एंड टू। तो सेम वे देखो, मैं पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसको सेम मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। और यही सेम ये जो है उसको मैं इसके साथ करूँगी और सेम टू सेम मैं इसके साथ करूँगी, राइट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए वन इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू थ्री, फिर वन इंटू माइनस वन प्लस ज़ीरो इंटू टू, ठीक है। अब नेक्स्ट है ज़ीरो इंटू वन प्लस वन इंटू थ्री, फिर ज़ीरो इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू टू इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो माइनस वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री, ज़ीरो प्लस टू विच इज़ इक्वल टू ये वन माइनस वन थ्री एंड टू, ओके। ए स्क्वेयर मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए, मतलब कि ज़ीरो टू फाइव माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय अगेन ज़ीरो टू फाइव माइनस टू। तो पहले मैं ये इसको और इसको करूँगी और सेम वे यहाँ पे, सो ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस टू इंटू फाइव, फिर ज़ीरो इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस टू। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये सेम मैं इसको यहाँ से भी करूँगी और इधर भी करूँगी, सो इट्स फाइव इंटू ज़ीरो प्लस माइनस टू इंटू फाइव, फाइव इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू टू, ठीक है। तो ये देखिए ज़ीरो प्लस टेन, ज़ीरो प्लस माइनस फोर, ज़ीरो प्लस माइनस टेन एंड टेन प्लस माइनस फोर। तो ये हुआ टेन, ये हुआ माइनस फोर माइनस टेन, और ये हुआ सिक्स। एक मिनट, ये भी माइनस है, सो टेन प्लस फोर क्या होगा, फोर्टीन, ठीक है। सो टेन माइनस फोर माइनस टेन फोर्टीन इज़ द आंसर। सिक्स्थ है बी स्क्वेयर ए, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू वन माइनस वन थ्री टू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन थ्री टू। तो दिस इज़ इक्वल टू वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू थ्री, फिर वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू टू, फिर थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री एंड थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वन माइनस थ्री, फिर माइनस वन माइनस टू, फिर ये होगा थ्री प्लस सिक्स
ये होगा माइनस थ्री प्लस टू इंटू टू क्या होगा फोर, विच इज इक्वल टू, सो बी स्क्वेयर आया ये माइनस टू माइनस थ्री नाइन एंड वन। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वेयर ए, मतलब ज़ीरो टू फाइव एंड माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस माइनस थ्री इंटू फाइव, फिर यहाँ पे होगा माइनस टू इंटू टू प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस टू, फिर नाइन इंटू ज़ीरो प्लस वन इंटू फाइव एंड नाइन इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस फिफ्टीन माइनस फोर प्लस सिक्स, ज़ीरो प्लस फाइव एटीन माइनस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन टू फाइव एंड सिक्सटीन, ठीक है। ए इज़ दिस बी इज़ दिस देन फाइंड एक्स एंड वाई इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर फाइंड कर लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स ज़ीरो वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री एक्स ज़ीरो वन, तो दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री प्लस एक्स इंटू ज़ीरो, थ्री इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वन, फिर ज़ीरो इंटू थ्री प्लस वन इंटू ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन, दिस इज इक्वल टू बी नाइन सिक्सटीन ज़ीरो एंड माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू नाइन प्लस ज़ीरो थ्री एक्स प्लस एक्स, नाइन प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू नाइन सिक्सटीन ज़ीरो माइनस वाई। तो ये होगा नाइन फोर एक्स नाइन वन इज इक्वल टू नाइन सिक्सटीन सिक्सटीन ज़ीरो एंड माइनस वाई। तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू वन, सो वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन हो गया, एंड फोर एक्स इज़ इक्वल टू सिक्सटीन, सो एक्स इज़ इक्वल टू फोर हो गया, ठीक है। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी ये पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन में ही है, हो सकता है इतना ये बहुत बेसिक है, उसके आगे बस ऐसे ही सम्स है सारे, ठीक है।